गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्टडी 247 क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। आज जैसे कि 13 जनवरी है और आज हम बात करेंगे 13 जनवरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए उससे। तो अभी आपने देखा होगा कि यूएसए और ईरान के बीच में दिन पर दिन टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं और उसका जो मुख्य कारण है वो अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले ईरान पर प्रतिबंध है। बट आप ये जानते हैं कि ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका ने, वो किस वजह से लगाए हैं? उसका कारण है ईरान द्वारा लगातार यूरेनियम संवर्धन में इजाफा करना। एक्चुअल में यूरेनियम संवर्धन करना हर देश के अलाउड है, बट एक लिमिट तक, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा यूरेनियम का संवर्धन हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो देश क्या बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। तो इसी क्रम में अमेरिका ने उस पर, जो ईरान है उस पर प्रतिबंध लगाए थे, जिसके अपोज में ईरान ने जो इराक में जो अमेरिकन आर्मी डिप्लॉयड है बगदाद में, वहाँ पर क्या किया, हमले कराने शुरू कर दिया, ऐसा अमेरिका बोल रहा है। ठीक है, तो इसी आर्मी के में एक आर्मी जो उनका रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, आपको ये पता हो जहाँ तक कि ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, जो वहाँ की सेना है, उसको अमेरिका द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया गया। इसके बदला लेने के लिए ईरान ने भी अमेरिका की जो आर्मी है, हर प्रकार की आर्मी को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। और जब अमेरिका के जो दूतावास है ईरान इराक में, इराक की जो राजधानी है बगदाद में, वहाँ पर हमले हुए, तो अमेरिका ने इसका बदला वहाँ के कुड्स आर्मी के जनरल को मार कर लिया, जो कि कासिम सुलेमानी के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। और इससे गुस्सा होकर ईरान ने अमेरिका का जो बेस था इराक की राजधानी बगदाद में, उस पर 22 मिसाइलें लॉन्च की। इन 22 मिसाइलों से अमेरिका और इराक के अनुसार को भी कैजुअल्टी नहीं हुई, बट जो कैजुअल्टी हुई, जो ईरान ने सैटरडे को आके मानी है कि उससे एक गलती हुई, मानवीय चूक हुई थी, वो हुई थी यूक्रेन एयरलाइंस के साथ में। ईरान की 2 मिसाइलें यूक्रेन एयरलाइन के एक विमान को जाकर लगी, जिससे कि वो विमान में सवार 176 लोग क्या हुआ, मारे गए। आप ये देख सकते हो, ये उस विमान का मलबा है। और ईरान ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये भी है कि ये एक ह्यूमन मिस्टेक थी जिसकी वजह से ये हुआ। अब हम बढ़ेंगे अपने MCQs के बारे में। ठीक है, तो पहला जो MCQ है वो है 2019 का पॉली उमरीगर पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया। तो जो ये पुरस्कार दिया गया है, ये हमारे पेस बॉलर जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। याद रखिए, जसप्रीत बुमराह। अंजुम चोपड़ा और के श्रीकांत को आपको मैंने बताया था कि अभी हाल फिलहाल में सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार BCCI द्वारा प्रदान किया गया है। और ये पॉली उमरीगर पुरस्कार और सी के नायडू पुरस्कार दोनों ही BCCI द्वारा दिए जाते हैं। इसके साथ साथ विराट कोहली, जो कि टीम इंडिया के तीनों ही फॉर्मेट के कैप्टन भी हैं, उनको CF प्लेयर ऑफ द ईयर और बैट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से भी नवाजा गया था। इसके साथ अगर आप जानो, BCCI गवर्निंग बॉडी है भारत में। जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट्स से मैचेस होते हैं, उसकी जितने भी फर्स्ट क्लास मैचेस या जो मेन मैचेस होते हैं उनकी, और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो ICC है, जिसका कि हेडक्वार्टर दुबई में है। और अगर आप अध्यक्ष पूछा जाए कभी आपसे ICC का, तो शशांक मनोहर उसके अध्यक्ष हैं। अगर BCCI के अध्यक्ष पूछे जाए तो अभी जो करेंट में है वो सौरभ गांगुली, एवं जो उसके सेक्रेटरी या आप कह सकते हो सचिव हैं, वो हैं जय शाह। और इसके साथ साथ अगर CEO भी अगर आपसे पूछा जाए, तो इसके जो CEO हैं BCCI के, वो हैं राहुल चौरी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, BCCI को नाडा के अंतर्गत लाया जाएगा। BCCI को नाडा के अंतर्गत लाया जाएगा। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, डोप टेस्ट कराती है। और इसने अभी हाल फिलहाल में अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, और इन्होंने अपना जो नाडा ने ब्रांड एम्बेसडर चुना है वो किसको चुना है? सुनील शेट्टी को। सुनील शेट्टी को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है अभी हाल में। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है, कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल कर क्या रखने की घोषणा की गई है। कोलकाता बंदरगाह का जो नाम है वो अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह होगा। ऑप्शन नंबर 2, श्यामा प्रकाश प्रसाद मुखर्जी कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो बंदरगाह है, वो आपका कांडला पोर्ट का नाम बदल के किया गया था। इसके बाद जो, और गुजरात में है ये,
इसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ये आपका मुंबई में लोकेटेड है। इसके बाद मुंद्रा पोर्ट आपका गुजरात में लोकेटेड है। अगला जो क्वेश्चन है वो पीएम मोदी द्वारा कोलकाता में कितनी इमारतों को देश के लिए समर्पित किया गया। तो पीएम मोदी द्वारा 4 इमारतों को देश के लिए समर्पित किया गया है और ये 4 इमारतें कुछ इस प्रकार हैं, आप देख सकते हो। कोलकाता में ये शुरू समर्पित की गई ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, वेल्डवेयर हाउस, वेलवेडियर हाउस सॉरी, मेटकॉफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल। और इनके साथ जब ये इसको समर्पण कर रहे थे देश के लिए तो संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं श्री जगदीप धनखड़ भी शामिल थे। अगला जो क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की जो स्थिति है 2 अंक गिरी है, पिछले वर्ष 2019 था और इस वर्ष 84 में है। अगर आपसे पूछा है 2019 में क्या था तो 2019 में 82 था और 2020 में ये आके 84 हो गया है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि टॉप प्लेसेस पे कौन है तो जापान, जो कि पिछली बार जापान और सिंगापुर दोनों संयुक्त रूप से थे लेकिन इस बार जापान अकेले नंबर 1 पे है। सेकंड जो पोजीशन है वो सिंगापुर की, 190 कंट्री में आप उसके पासपोर्ट धारक होते हैं तो आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। जबकि तीसरे नंबर पे संयुक्त रूप से साउथ कोरिया जर्मनी है 179 देशों में, ठीक है। और भारत का जो स्थान है वो 84वां है 2020 में और आप जा सकते हो। अगर भारत का पासपोर्ट है आपके पास तो 58 देशों में बिना किसी वीज़ा के आप एंट्री कर सकते हो। अगली जो न्यूज़ है, साई इंग पेन को कहाँ का राष्ट्रपति दोबारा नियुक्त किया गया। एक्चुअली तुम्हारा की जगह यहाँ पर दोबारा होगा तो आगे लिख गया है। तो ये ताइवान की दोबारा से क्या हुआ है, राष्ट्रपति इलेक्ट हुई है और ये बहुत बड़ा नुकसान है चाइना के लिए क्योंकि वो चाहता था कि ये दोबारा से राष्ट्रपति ना बने क्योंकि ये बहुत बड़ी चाइना की विरोधी हैं। आप देख सकते हो ताइपी के बारे में, ताइवान के बारे में, जो इसकी राजधानी क्या है, ताइपी है। इसकी जो करेंसी है वो न्यू ताइवानीज डॉलर है। अगर आप मैप में देख सकते हैं तो ये हमारा इंडिया है और ये छोटा सा जो आपको द्वीप दिख रहा है इसमें, चलिए जूम पिक्चर देखते हैं, ये जो है ये आपका ताइवान है और इस तट पे इसकी जो राजधानी है वो ताइपी। अगली जो न्यूज़ है, साइबर अपराध की रोकथाम के लिए गांधीनगर में किस इकाई का शुभारंभ अमित शाह द्वारा किया गया। तो आश्वस्त इकाई का जो शुभारंभ है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा किया गया और गांधीनगर उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। आप देख सकते हो ये उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जिस पे उन्होंने दिया है आश्वस्त की अगर फुल फॉर्म वैसे तो पूछी नहीं जाएगी, फिर भी एडवांस सिक्योरिटी एंड साइबर एश्योर्ड असिस्टेंस सर्विस हेल्पलाइन फॉर विक्टिम एट शॉर्टेस्ट टाइम। ये गांधीनगर गुजरात में इसकी इन्होंने शुरुआत की, ठीक है। अगली जो योजना है, यशस्विनी योजना किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए लॉन्च की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए यशस्विनी योजना का शुभारंभ किसने किया, तो इसका जो शुभारंभ किया था वो हमारी जो बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो हैं स्मृति जुबिन ईरानी, उनके द्वारा किया गया था। पर ये योजना राज्य सरकार की है, गोवा राज्य सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत जो स्व सहायता समूह होते हैं महिलाओं के उनको 5 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा, वो भी बिना किसी ब्याज के, ठीक है। तो आंसर हमारा गोवा होगा। अगर गोवा की कैपिटल आपसे पूछी जाए तो पणजी है इसकी राजधानी। इसके जो CM है वो प्रमोद सावंत और जो इसके राज्यपाल हैं जो वो हैं सत्यपाल मलिक। आपने जहाँ तक सुना ही होगा जब तक जम्मू कश्मीर राज्य था तब तक उसके राज्यपाल थे लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। इसके साथ आंध्र प्रदेश की अभी अगर आपसे कभी पूछी जाए कोई योजना तो आंध्र प्रदेश की अभी हाल में एक योजना लॉन्च हुई थी अम्मा बोधी योजना जिसमें कि VPL या फिर जो आप बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको 15,000 तक की वार्षिक सहायता मुहैया कराई जाएगी खासकर महिलाओं उनके बच्चों के लिए ताकि वो पढ़ सकें। महाराष्ट्र की अगर कोई योजना बोली जाए तो हाल फिलहाल में दो चीज़ें हुई हैं, एक तो सम्राटी कॉरिडोर का नाम बाला साहब कॉरिडोर किया गया है, दूसरा जो यहाँ पर एक योजना थी शिव भोजन योजना के अंतर्गत क्या किया गया है 10 रुपये में आपको एक थाली भोजन दिया जाएगा। अगली जो आप देख सकते हो गोवा जो कैपिटल है आपकी पणजी है, इसके जो CM प्रमोद सावंत और सत्यपाल मलिक इसके गवर्नर, ये ऑफिशियल पेज है। इन्होंने स्मृति जुबिन ईरानी का इन्होंने भी इस योजना के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन है DRDO की एरोनॉटिकल सिस्टम की डायरेक्टर कौन है जिन्हें मिसाइल वूमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इस वजह से है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 107वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलोर में हुआ है और इस विज्ञान कांग्रेस के साथ एक महिला विज्ञान कांग्रेस भी हुआ था
जिसकी आपको ये पिक्चर में दिख रही है, ये मुख्य अतिथि थी। इनको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये कौन है? इनका नाम है टी सी थॉमस। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती हैं, और वुमेन जो नेशनल कांग्रेस थी उसमें ये वुमेन साइंस कांग्रेस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। बाकी ये मौमित्र दत्त, मीनल रोहता, रोहित नंदिनी, हरिनाथी, तीनों ही तीनों इसरो से संबंधित हैं। अब देख सकते हैं वुमेन साइंस कांग्रेस बेंगलुरु में इस बार आयोजित की गई है, और ये किसके अंतर्गत की गई है? इंडियन साइंस कांग्रेस के अंतर्गत की गई, नेशनल साइंस कांग्रेस जो है। अगली जो न्यूज़ है, आप हम ये जो अगली जो न्यूज़ क्या है, ये तो आपके लिए ट्रिक है, और ये स्टेट के साथ ट्रिक आपको मैं आज दे रहा हूँ। आज की ट्रिक जो है आपकी आंध्र प्रदेश के लिए है। अब तक जो आपको ट्रिक दे चुका हूँ गुजरात केरला के लिए दे चुका हूँ, आज की जो आंध्र प्रदेश की ट्रिक है वो राष्ट्र उद्यानों के लिए ही है। और ट्रिक से पहले देख लेते हैं वहाँ के सीएम कौन है। तो सीएम जो आंध्र प्रदेश के हैं वो कौन है? जगन मोहन रेड्डी, जबकि जो राज्यपाल है वो यहाँ के हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के जो योजना मैंने अभी बताया था, अम्मा बोधी स्कीम, वाई एस आर नेस्तम लॉ स्कीम, वाई एस आर नेस्तम नेथम स्कीम, ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स हैं, ये भी आप याद रखिएगा साथ साथ में। तो स्टैटिक फैक्ट में हम ये देखते हैं, आंध्र प्रदेश में वेंकटेश के राज्य में पापियों को कुंड में डालते हैं। आंध्र में श्री वेंकटेश के राज्य में पापियों को कुंड में डालते हैं, मतलब आंध्र में श्री वेंकटेश, आपने सुना होगा भगवान का नाम भी है, तो उनके राज्य में क्या करते हैं? पापियों को कुंड में डालते हैं। तो श्री वेंकटेश से आप बना सकते हैं वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और राज्य से बना सकते हैं आप राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जबकि पापी का कुंड से बना सकते हैं पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये है रही आज की ट्रिक, आशा करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटेन कर पाए हो, और उम्मीद करूँगा कि आपके लिए ये जितना भी मैंने आज बताया वो आपके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डेली के अपडेट के लिए प्लीज़ हमसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना।